IPL 2025 के लिए प्लेयर्स रिटेंशन लिस्ट आने ही वाली है। लिस्ट से पहले आई दो अपडेट्स खूब चर्चा बटोर रही हैं। इन दोनों अपडेट्स के सेंटर में IPL की कप्तानी है। दावा है कि KKR ने अपने कैप्टन से पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया है, जबकि RCB अपने पुराने कप्तान की ओर लौट रही है। सबसे पहले बात शाहरुख खान की फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स की। क्रिकबस का दावा है कि इस फ्रेंचाइज ने IPL विनिंग कैप्टन श्रेयस अय्यर को रिटेन ना करने का फैसला किया है। दावा किया जा रहा है कि अय्यर फ्रेंचाइज से ज्यादा पैसों की मांग कर रहे थे, लेकिन KKR ने उनकी ये मांग नहीं मानी। अय्यर को 12.25 करोड़ में खरीदने के बाद KKR ने उन्हें कप्तानी सौंपी थी और अय्यर की कप्तानी में इन लोगों ने IPL 2024 का खिताब भी जीता था, लेकिन अब पैसों के चलते फ्रेंचाइज ने उन्हें रिटेन ना करने का फैसला किया है। हालांकि राइट टू मैच कार्ड के जरिए वो अभी भी वापस आ सकते हैं। इससे पहले उम्मीदें थी कि श्रेयस को KKR वाले रिटेन करेंगे। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी इसकी उम्मीद जताई थी। स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए हरभजन ने कहा था, KKR ने पूरा सीजन डोमिनेट किया, इसलिए उनके लिए किसी को भी छोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन मामला रिटेंशन का है। आप कुछ ही लोगों को रिटेन कर सकते हैं। अगर मैं देखना चाहूं कि मैं किन 6 प्लेयर्स को सेलेक्ट करूंगा, KKR के 6 प्लेयर्स कौन से होंगे, तो मेरे हिसाब से इसमें श्रेयस अय्यर, फिल सॉल्ट, सुनील नरे, आंद्रे रसल और रिंकू सिंह का नाम होगा। KKR से जुड़ने के बाद अय्यर ने 28 मैच में 5 हाफ सेंचुरीज के साथ 752 रन बनाए हैं। वो चोट के चलते IPL 2023 में एक भी मैच नहीं खेले थे। ओवरऑल अय्यर ने 115 IPL मैच में 3127 रन बनाए हैं। KKR के अलावा वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी खेल चुके हैं। ये तो ही KKR की बात। कप्तानी पर चर्चा RCB भी बटोर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कोहली फिर से RCB की कप्तानी करने वाले हैं। कोहली ने IPL 2022 से पहले कप्तानी छोड़ी थी। इनकी जगह टीम की कप्तानी फाफ डु प्लेसी ने संभाली। कोहली साल 2013 से 2021 तक फ्रेंचाइज के कप्तान थे। रिपोर्ट के मुताबिक RCB ने गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल को साइन करने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हुई। कहा यह भी जा रहा है कि अगर दिल्ली वाले अपने कप्तान ऋषभ पंत को रिलीज करेंगे तो RCB वाले उन्हें साइन करने की कोशिशें भी करेंगे। इन सब के बीच अगले सीजन टीम की कप्तानी कोहली के हिस्से जा रही है। साल 2008 से फ्रेंचाइज के साथ मौजूद कोहली ने 252 मैच में 8004 रन बनाए हुए हैं। इसमें 8 शतक और 55 पचासे शामिल है। कोहली इस फ्रेंचाइज के लिए लंबे वक्त तक टॉप पर खेले हैं। उन्होंने टीम के लिए ओपन भी किया है और नंबर 3 पर भी खेले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि IPL 2025 में कप्तान कोहली किस नंबर पर बैटिंग करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।